नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं कि कौन से जूस सफेद दाग में आपके लिए फायदेमंद है और कौन से जूस आपको बिल्कुल भी नहीं पीने चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूँ। कौन से जूसेस पीने हैं और क्यों पीने हैं ये भी बताऊंगा, और कौन से जूसेस नहीं पीने हैं और क्यों नहीं पीने ये भी बताऊंगा। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते आपके लिए सफेद दाग से जुड़ी कुछ ना कुछ जानकारी लेकर आते हैं जो बेनिफिशियल हो सकती है आपके लिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन से जूसेस सफेद दाग के पेशेंट को बिल्कुल नहीं पीने चाहिए। सबसे पहले मैं इसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप कोई हेल्दी चीज है आपके लिए उसे नहीं खाते हैं तो क्या होगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको नुकसान पहुंचाएगी, आप उसे खा लेते हैं तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें उन चीजों को हटाना होता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, सफेद दाग को बढ़ाए। तो खट्टे फल, खट्टी सब्जियां, इनमें से किसी भी चीज का जूस आपको नहीं पीना है, चाहे वो संतरा हो, मौसमी हो, अंगूर हो या आम ही क्यों ना हो, आपको इनका जूस नहीं पीना है। अब सवाल आता है कि सफेद दाग के पेशेंट कौन से जूसेस पी सकते हैं। खट्टे फलों के अलावा सभी जूसेस पी सकते हैं। कुछ जूसेस ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी सीजनल मौसम है, जैसे सपोज गर्मियों का मौसम है, तो तरबूज और खरबूज इनका जूस जरूर पिए। ये आपके शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करते हैं, साथ ही साथ मेलानिन की पिगमेंट को भी बढ़ाते हैं, इनका जूस पिए। सेकेंड नंबर पर आप पपीते का जूस पी सकते हैं। पपीते के जूस में आपको बीटा कैरोटीन मिलता है, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, और इसके अंदर पेपाइन नाम का एंजाइम होता है जो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में भी पपीता आपकी मदद करता है। साथ ही साथ पपीता आपकी मेलानिन की पिगमेंट को भी बढ़ाने में मदद करता है, तो आप पपीते का जूस जरूर पिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। आप डेली बेसिस पर 2 ग्लासेस पपीते का जूस पी सकते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में पिए, फायदा मिलेगा। सेकेंड जूस जो आप इंक्लूड कर सकते हैं वो बीट रूट और कैरेट का जूस। आप इन दोनों के जूसेस को अलग अलग भी पी सकते हैं, एक साथ भी पी सकते हैं। इनके अंदर आपको मिलता है बीटा कैरोटीन जो मेलानिन की पिगमेंट को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, क्योंकि आपके शरीर में मेलानिन की कमी हो रही है तो इसी वजह से सफेद दाग दिखाई दे। वहीं अगर आप गाजर का जूस या बीट रूट जूस पी लेते हैं तो ये मेलानिन की कमी को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं और सफेद दाग धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। अगले जूस की हम बात करें तो ये है स्पेनिच जूस, यानी पालक का जूस। पालक का जूस पियेंगे तो शरीर में आयरन की कमी को फुलफिल करने में ये मदद करता है। अगर शरीर में आयरन की कमी हो रही है तो ऐसे में आपके शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा, और जब भी किसी भी पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है तो उसका सफेद दाग कभी ठीक नहीं हो सकता, चाहे वो अच्छी से अच्छी मेडिसिन ले ले, कोई सी भी मेडिसिन ले ले, इवन आप हमारे यहाँ की भी मेडिसिन ले लें तो भी आपका हीमोग्लोबिन लेवल अगर मेंटेन्ड नहीं है तो आप पर दवाइयां असर नहीं करेंगी। तो इसीलिए सबसे पहले कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंगली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती हैं, क्योंकि पेशेंट को उनका अच्छे से रिजल्ट मिले। अब आप पालक का जूस पी सकते हैं, इसके बाद आप लौकी का जूस पी सकते हैं। लौकी के जूस में आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, अगर आपका वजन कम है तो खाली पेट नहीं पीना, यानी सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट नहीं पीना है, खाना खाने के बाद आप इसको पी सकते हैं। इससे आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो खत्म हो जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल एक हेल्दी अमाउंट में आ जाता है, साथ ही साथ ये आपकी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को भी बहुत अच्छा बना देता है। इसके बाद आप एक शेक के फॉर्म में ले सकते हैं, तो आपको कोकोनट मिल्क लेना है, उसके अंदर आपको डेट्स को मिलाना है और फ्लैक्स सीड्स आप मिला सकते हैं। इसमें कॉपर की मात्रा जो शरीर में कम होती है वो फुलफिल करने की क्षमता होती है, डेट्स बहुत अच्छा सोर्स है कॉपर का, तो अगर आपके शरीर में कॉपर की डेफिशिएंसी है ऐसे में आप इसे इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा, तो आप इन्हें जरूर इंक्लूड करें। इसके बाद आप एक डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक बना सकते हैं, पानी लेना है, मिंट लीव लेनी है, जिंजर या फिर टर्मरिक लेने, छोटे छोटे फॉर्म में काटनी है, पानी में रख देना है और इसको थोड़ी देर बाद आप पिए। इससे भी आपके शरीर में जो गंदगी है वो साफ होगी और आपका विटिलिगो ठीक होने धीरे धीरे लगेगा। आप इन जूसेस की मदद से शरीर में होने वाली सभी डेफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं और एक शरीर को एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे सकते हैं। और दवाइयां यहाँ पर आपके लिए बहुत जरूरी होती हैं। अगर आप दवाइयां नहीं ले रहे हैं, सोच रहे हैं इन जूसेस की मदद से आप अपने सफेद दाग को ठीक कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जूसेस आपके सफेद दाग को बढ़ने नहीं देंगे, उसको ठीक करने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर ट्रीटमेंट फिर भी रिक्वायर्ड रहेगा। आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
you.